नमस्ते दोस्तों, सीता विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आलू के खेत में जाएंगे आलू लेने। तो आलू का हम बनाएंगे सलोनी, तो बहुत ही बढ़िया लगता है, ठंड के मौसम में बनाकर खाया जाता है। तो आलू का पूड़ी और आलू का पराठा, आलू का सलोनी जो है लोग बनाते हैं, खाते हैं ठंडी में, ठंडी के मौसम में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सब देख सकते हैं कि ये सब सरसों का फूल है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ठंडी के मौसम में दोस्तों हरा भरा खेत रहता है, बहुत अच्छा लगता है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आलू के खेत में। हमने खुरपी लिया हुआ है, तो इसी से हम खनेंगे आलू। हम आ गए हैं आलू के खेत में, आप सब देख सकते हैं कि इधर आलू लगाया गया है मेड़ी बनाकर, तो यहीं से हम लेंगे आलू। तो आलू हम खन लेते हैं। तो सबसे पहले हम गवा को उखाड़ लेंगे। दोस्तों ये हरा गवा है, तो ये हरा रहता है तो आलू कच्चा रहता है, जब ये सूख जाता है तो समझ लीजिए कि आलू पक गया है। तो अभी ये अभी हरा है, तो इसको हम थोड़ा सा खनेंगे सलोनी बनाने के लिए। तो इस तरह से हम आलू को खन लेंगे। तो दोस्तों हमने आलू को खन लिया है, तो ठंड के मौसम में सलोनी और इसके पराठा जो है बहुत ही अच्छा लगता है, तो बनाया जाता है इसका पराठा जो है। तो हम आज सलोनी बनाएंगे, उसके बाद पराठा भी बनाकर आप लोग को भी शेयर करेंगे। तो आलू को हम ले लेते हैं। दोस्तों हमने आलू को खन लिया है, तो हम लेकर चलते हैं घर पे। तो आलू को लेकर हम घर पर आ चुके हैं, तो जितना हमको सलोनी बनाना है हम उतना ही आलू लिए हुए हैं। तो आलू को हम धो लेते हैं पानी से। इस तरह से हम मलकर धोएंगे आलू को, ताकि इसका मिट्टी जो है निकल जाए अच्छे से। आलू को हम धो लिए हैं, तो अब इसका हम छिलका उतार कर इसे कट कर लेंगे। आलू को हम छील लें दोस्तों, तब इसको हम कट कर लेंगे। इसको हम इस तरह से कट करेंगे। आलू को हम कट कर लिए हैं, तब इसको हम दो पानी से धोएंगे। हम पानी से इसको अच्छे से धो लेंगे, धोकर हम थाली में निकालेंगे। हमने आलू को धो लिया है, तो एक पानी से हम और धोएंगे। तो आलू को हमने धोकर साफ कर लिया है अच्छे से दोस्तों। सलोनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने हरा मटर लिया हुआ है, और यहाँ पे हरा धनिया की पत्ती है, और लहसुन की पत्ती, हरा मिर्चा है, और यहाँ पे हमने हल्दी लिया हुआ है। तो इन सबको हम अच्छे से धो लेंगे पानी से। तो धनिया और लहसुन की पत्ती को हम काट लेंगे। हम पीस लेंगे। आलू को हमने पीस लिया है, तो इसको हम कटोरी में उठा लेंगे। तो आग को हम जला लिए हैं, तो हम कढ़ाई को रख देंगे। सरसों का तेल, तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, तो अब हम लगाएंगे प्याज का तड़का। तो आपके पास कटोरी है तो कटोरी में डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज जो है ब्राउन हो गया है, आप सब देख सकते हैं। तो अब हम आलू को डाल देंगे।
चला लेंगे। आलू को मैं सब चला लिए हैं, तो हम थोड़ी देर ढक देंगे। आलू को देख लेंगे एक बार, हम डालेंगे मटर। तो मटर को हमने पानी से भून लिया है। अब इसको हम चला लेंगे। हम डालेंगे हरा मसाला जो हमने पीसा हुआ है। डालेंगे हम हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाला को हम अच्छे से मिला लिए हैं। तो दोस्तों ये हरा मसाला है, तो इसलिए हम बाद में डाले हैं मसाला, और सूखा मसाला रहता है तो पहले ही इन मसालों को भून लेते हैं। तो इसको हम बाद में डाले हैं क्योंकि हरा मसाला है। तो अब इसको हम अच्छे से चला कर ढक कर पकाएंगे। अब इसको हम पकाएंगे, तो सलोनी को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको हम एक बार चला देंगे, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो इसे हम चला लेंगे। नमक को हम अच्छे से मिला लिए हैं, तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो अभी आलू पक नहीं है, तो इसको हम ढक देंगे, ढककर पकाएंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, सलोनी हमारी पकी है। सलोनी हमारी पककर तैयार हो गया है दोस्तों। तो आप सब देख सकते हैं ये आलू बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती, बारीक से हमने कट किया हुआ है, तो ऊपर से हम डाल देंगे। अब पककर तैयार हो गया है, तो इसको हम चूल्हे पर से हटा लेंगे। तो सलोनी को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। तो हमने सलोनी को सर्व करने के लिए निकाल दिया है कटोरी में। तो आज हमने बनाया है आलू और मटर की सलोनी। तो आज का वीडियो हमारा आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।